हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्री क्विज बाय क्रैकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अभी एसडीओ का जो आंसर की रिलीज किया है उसके हिसाब से आपको मतलब उनके हिसाब से जो आंसर है वो 7 और 8 क्वेश्चन का वो वेरी करता है। मेरे हिसाब से वो रॉन्ग है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सा जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है। तो मैं पहले से ही मार्क करके रखा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। PKM3 द हाइब्रिड इज अ क्रॉस ऑफ व्हिच वेराइटीज। इसका जो सही आंसर है वो गुत्थी विट क्रिकेट बॉल है। उसका जो सही आंसर है उनके हिसाब से वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट इट इज इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो गुत्थी क्रॉस विथ क्रिकेट बॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन देन क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू HPSC उसका जो उनके हिसाब से वो आंसर है वो 1 और 2 है, बट यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि CO3 एंड CO4 आर द हाइब्रिड वेराइटी। आपकी वाला जो सोर्स है वो ग्लॉस्टर्स बुक में है तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं। देन देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है 36, मास इज द वेराइटी ऑफ ग्रेप फ्रूट विच डेवलप थ्रू। एक्चुअली जो मास जो वेराइटी है वो डेवलप हुआ था चांस सीडलिंग सिलेक्शन से, बट यहाँ पे उसका उनके हिसाब से आंसर है वो म्यूटेशन है। मास सीडलेस पूछा गया होता तो उसका जो मास सिल्ले जो वेराइटी है वो म्यूटेशन से डेवलप हुआ था और वो डिलाइट जो वेराइटी है उसको म्यूटेशन करके वो मास सिल्लेस वेराइटी डेवलप किया गया था। सो इसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 49, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट उनके हिसाब से वो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि क्रायो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विथ बोथ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड नाइट्रोजन। सो मेरे हिसाब से वो बोथ दो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, ये पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। वो सियानो कोबाल्ट मीन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई डोंट नो व्हाई दे चूज इट रॉन्ग, बट ऑल्सो स्टेटमेंट थर्ड, ऑरेंज कलर इज कंसिडर्ड एज ए वार्म कलर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मेरे हिसाब से बोथ द स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट उनके हिसाब से ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। देन ये जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइट्री फाइबर प्रेजेंट इन पॉटेटो कॉर्न, बट ज़्यादातर तो जो डाइट्री फाइबर है वो पोटैटो में पाया जाता है, लेकिन इसका जो बुक है कौन सा, बहुत सारे बुक में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइट्री फाइबर प्रेजेंट इन पोटैटो, बट हियर दे मेंशन पॉटेटो कॉर्न, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 76, विच वेराइटी ऑफ ओकरा रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजाइक वायरस, इसका जो सही आंसर है ये तो मतलब इसमें तीनों जो वेराइटी है वो रेजिस्टेंट करते हैं येलो वेन मोजाइक के प्रभाव क्रांति करते हैं, और आर्का अनामिका भी रेजिस्टेंट टू एलेवन हो जाएगी, ईश्वर उन्नत भी, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये तो सम 7 और 8 क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन का आंसर गलत है। और थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।